कई लोगों का अपना मत है कि भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा। कुछ लोगों का यह मत रहा कि भगवान ने पूतना को इस कारण से नहीं देखा कि ये बाल घातनी है, मैं इस बाल घातनी को देखूंगा नहीं, बहुत सारे बच्चों की हत्या करके आई है, आंख बंद करके उन बच्चों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं परमात्मा। परमात्मा ने आंख बंद कर लिया और उन बच्चों को मुक्ति प्रदान किया। कुछ लोगों का दृष्टांत है कि भगवान ने आंख बंद कर लिया और शिव जी का ध्यान किया, बोले प्रभु मैंने तो अभी जन्म लिया है, मैंने तो माखन मिश्री खाना सीखा है, ये जहर वहर तो मेरे बस की बात है नहीं। देखिए ये तो आप ही का है, आप आइए मेरे हृदय में विराजमान होइए और विराजमान होकर के इसको ग्रहण कीजिए, ये आप ही का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट तो माखन मिश्री खाने का है, जहर वहर वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं, आप इसको ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर का ध्यान किया। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा हैं, तो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर लिया कि हम इसके जो भगवान को मारने आए हम उसके क्या दर्शन करें। कुछ लोगों ने ये दृष्टांत निकाला कि भगवान ने सोचा कि चाहे जैसी भी हो काम तो माँ जैसी करने जा रही है, इसलिए उसको मुक्ति कैसे दूं, वो सोचा। भगवान ने दुग्ध के साथ उसके प्राणों का अंत किया। भगवान दुग्ध को पीते जा रहे हैं, पूतना ने सोचा अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए, अभी तक क्यों पीता जा रहा है। जब भगवान ने दुग्ध के साथ उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, कहती है छोड़ छोड़, भगवान कहते हैं मौसी हमको तो पकड़वे को आवे, छोड़ने को आवे ना, और भगवान को लेकर के बाहर भागी। जब उसके प्राण में बड़ा पीड़ा उठने लगी तो लेकर के बाहर भागी और परमात्मा ने उसके प्राणों का अंत किया। जब प्राण अंत होने लगे तो अपने स्वरूप में, जो स्वयं का स्वरूप था, उसमें आ गई और धड़ाम से गिरती है। ऐसा वर्णन आता है कि 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर, और भगवान उसके ऊपर चढ़ करके और किलोल कर रहे हैं। सभी लोग, सभी ग्वाल वाल भागे भागे आए, अरे ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, सभी लोग भागे भागे आए और आकर के सुखदेव जी बड़ा सुंदर शब्द में कहते हैं, आकर के भगवान को उठाया, भगवान ने उसको साजुज्य मुक्ति प्रदान किया। जो मुक्ति माता यशोदा को बहुत समय बाद प्राप्त होनी है, वो भगवान ने सिर्फ उसका आचरण माता जैसा होने के कारण भगवान ने उसको प्रदान कर दिया। इतने दयालु हैं हमारे भगवान। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।